बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इस्लामाबाद में लड़की लड़के की नीम बरहना वीडियोस का मामला, वजीर आजम हाउस से बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया गया। उस्मान मिर्जा गैंग कैफरे किरदार तक जा पहुंचा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ट्विटर पर इस वक्त हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है, वो है अरेस्ट उस्मान मिर्जा। दोस्तों, उस्मान मिर्जा की कहानी क्या है, उस्मान मिर्जा क्या कर रहा था और किन किन एक्टिविटीज में मुलविस था और वजीर आजम हाउस से क्या ऑर्डर्स आए हैं और उसके बाद उस्मान मिर्जा को किस तरह से कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ऐसी शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसके मामले के हवाले से काफी सारी तफसीलात आप सोशल मीडिया पर देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं कि इस्लामाबाद में उस्मान मिर्जा नामी एक ऐसा शख्स जो कि बदमाश, बदकुमाश और इखलाकी तौर पर इतना गंदा इंसान है कि जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती। उसके माजी को देखा जाए तो बहुत सारी वीडियो सामने आ चुकी हैं, जिसमें वो खवातीन के साथ डेटिंग करता, डांस पार्टियों में शरीक होना उसके लिए मामूल की चीजें हैं। इसके अलावा खतरनाक असलहा, वो भी बगैर लाइसेंस के रखना। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि उस्मान मिर्जा नाजायज असलहे समेत बहुत सारे ऐसे शौक रखता है, जिसमें मंशियात स्मगल करना, इवन के खवातीन स्मगल करने के मामले में भी इन्वॉल्व है। दोस्तों, ये आज का वाकया नहीं और ना ही ये आज की वीडियो है, ये पुरानी वीडियो है लेकिन वायरल अभी हुई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने जैकेट पहनी हुई है और उस्मान मिर्जा के फ्लैट पर मौजूद है। दोस्तों, उस्मान मिर्जा का ये तरीका कार रहा है कि उसके पास मुख्तलिफ फ्लैट्स मौजूद हैं, जहां पर वो लड़कों और लड़कियों को डेट के लिए और गलत कार्यों के लिए फ्लैट्स मुहैया करता है, लेकिन इसके साथ ही उन फ्लैट्स की दो दो तीन तीन चाबियां होती हैं। इस केस में भी बिल्कुल ऐसा हुआ कि जब वो लड़की और लड़का उस फ्लैट पर मौजूद थे तो उस्मान मिर्जा अपने साथियों के साथ वहां पर दूसरी चाबी का इस्तेमाल करते हुए फ्लैट में आया और दोनों को वहां पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन्हें मारा पीटा गया और फिर लड़के को मारकर और गन पॉइंट पर रखकर कहा कि वो लड़की के साथ उसके सामने रेप करे, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे मार दिया जाएगा, उसे टॉर्चर किया जाएगा। और उसके बाद एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जिसमें वो बड़े फ्रेंडली मूड में उस लड़की और लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही ऐसी गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है जिसको मैं बताना मुनासिब नहीं समझता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको नहीं बता सकते, अलबत्ता सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में तमाम चीजें देखी गई हैं। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि जहां पे ये वाकया पेश आया है, वहां से कुछ ही फासले पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का घर है और उस्मान मिर्जा के सियासतदानों के साथ भी काफी ताल्लुकात हैं। पहले तो सूरत हाल ये थी कि उस्मान मिर्जा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें ऐसी काफी ज्यादा झोल मौजूद है जिसकी रूह से वो इजीली बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जब सोशल मीडिया पर हैशटैग अरेस्ट उस्मान मिर्जा टॉप ट्रेंड पर आया तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और डीसी इस्लामाबाद की सरकर्दी में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार होने के बाद जो थाने से उसकी वीडियो और तस्वीर सामने आई, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि अब पुलिस उनके साथ कैसा सलूक करने वाली है। यानी एक ऐसा मुजरिम जिसने इंतहाई घनौना फेल सरंजाम दिया हो, उसको इतने प्रोटोकॉल के साथ सोफे पर बिठाया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक और तूफान बरपा हुआ और लोगों की जानिब से ये डिमांड की जाने लगी कि इस तरह के मुजरिम को ये प्रोटोकॉल देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उसे जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पास जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने ऐसी हदायत जारी कर दी कि जिसके बाद उस्मान मिर्जा की आइंदा आने वाली नस्लें भी ऐसे फेल अंजाम देने के बारे में 100 दफा सोचेंगी। दोस्तों, वजीर आजम हाउस से खुसूसी अहकामात आए हैं जिसकी रूह से उस्मान मिर्जा की इस्लामाबाद थाने में ऐसी तारीख साथ छितरोल हुई है और इसके बाद का लायामल क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट सामने आई है उससे पता चल रहा है कि उस्मान मिर्जा और उसके गैंग को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अहकाम जारी कर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि उस्मान मिर्जा और उसका गैंग इस तरह के एक वाकये में नहीं बल्कि दर्जनों वाकयात में मुलविस है, जिसमें इसी तरह से वो किसी को फ्लैट्स की चाबियां देते हैं, वहां पर उनकी वीडियोस बनाते हैं और उसके बाद लड़की या लड़के से पैसों की डिमांड करते रहते हैं और इसी तरह से इनका सिलसिला चलता रहता है। इस केस में भी उन्होंने ऐसे किया था और लड़की से पैसों की डिमांड की थी, लेकिन हुआ क्या कि ये वीडियो वायरल किस तरह से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वीडियो लड़की की जानिब से पेश की गई है। बल्कि ऐसा हुआ था कि उस्मान मिर्जा के मुखालिफिन के पास किसी तरह से ये वीडियो पहुंच गई और उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया और अब ये छठा हुआ बदमाश गुंडा अपने अंजाम को पहुंच गया है। दोस्तों, इस तरह के बेशुमार वाकयात आए रोज देखने में आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर गर्निश करने वाली वीडियोस में एक वीडियो एक और भी सामने आई है जो कि मुल्तान की है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की गली में जा रही है और एक ओबाश नौजवान उसका मोटरसाइकिल पर पीछा कर रहा है। लड़की कभी दाएं जाती है कभी बाएं जाती है, लेकिन जब वो बाज नहीं आता तो एक पत्थर उठाकर उसे मारती है। वो चला जाता है और उसके बाद जब वो वापस मोटरसाइकिल को मोड़ कर गली में आता है तो लड़की को ऐसा जनाटेदार वो थप्पड़ मारता है कि वो गिर पड़ती है। तो उस वीडियो के अंदर भी नजर आने वाले ओबाश को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मुहिम शुरू करें ताकि इस तरह के गुंडे और बदमाशों को सोसाइटी में निशाने इबरत बनाया जा सके। दोस्तों, चंद दिन पहले एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बुर्का पोश खातून जा रही होती है। एक लड़का मोटरसाइकिल पर आता है, उसे पीछे से उसका बुर्का इस तरह से खींचता है कि वो गली में बुरी तरह से गिरती है। आए रोज इस तरह के वाकयात इसलिए पेश आ रहे हैं कि अगर कोई गिरफ्तार भी हो जाता है तो पुलिस की जानिब से कुछ ले देकर मामलात को खत्म कर दिया जाता है। अब वक्त आ गया कि सोशल मीडिया की ताकत के जरिए इस तरह के ओबाशों बदमाशों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा, वरना ना किसी गली ना मोहल्ले ना किसी स्कूल न किसी कॉलेज के अंदर किसी की बेटी बहन की इज्जत महफूज रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि जिनसी ज्यादती का शिकार होने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और दुनिया के सामने नहीं आते। इस हवाले से कानून की मदद लेते हैं और ना ही ये बात किसी को बताते हैं। इसकी वजह उनकी ये सोच होती है कि वो गवारा नहीं करते कि उनकी तजलील का ये वाकया किसी के इल्म में आए। इसका दूसरा सबब हमारे मुआशरे का रवैया भी है। हमारा मुआशरा जिनसी ज्यादती का हदफ बनने वाली खवातीन के लिए कुछ हद तक रहमदिली का मुजाहरा करता है और ऐसी औरतों के किसी कदर हमदर्दी की जाती है, लेकिन बेशुमार वाकयात ऐसे हैं जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और फिर उनकी तज़हीक और तौहीन और फिर तंज का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। इसलिए बेशुमार लोग खामोश रहने में अफियत महसूस करते हैं, लेकिन ये खामोशी इंसान के अंदर एक तूफान बर्पा कर देती है। जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाले नफ्सियाती तौर पर इंतहाई शिकस्ता हो जाते हैं और बाज़ औक़ात खुद इस घनौने अमल में मुलविस हो जाते हैं। यूँ वो अपने नजदीक होने वाले ज्यादती और जुल्म का इंतकाम लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह के वाकयात जिसमें मुआशरत या किसी किस्म का जिनसी दखूल किसी शख्स की मर्जी के बगैर किया जाता है, ये काम जिस्मानी जोरावरी, जबरदस्ती और ओहदे का गलत इस्तेमाल या किसी ऐसे शख्स के खिलाफ किया जाता है जो कानूनन दुरुस्त मर्जी का इजहार नहीं कर सकता, जैसा कि इस केस में देखा जा सकता है। गन पॉइंट पर या जोर जबरदस्ती इस तरह की वीडियोस बनाई गई और फिर उस वीडियो की बेस पर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। दोस्तों, मैं लड़की और लड़के की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहा कि जो वहाँ पर वो फेले हराम सरंजाम देने गए थे वो जायज था। वो कानून की गिरफ्त में आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से उस्मान मिर्जा उसके गैंग की जानिब से इस तरह का घिनौना सिलसिला शुरू करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से गलीज और गंदी गालियां दी जा रही हैं, उन्हें फेले कभी अंजाम देने के लिए जोर जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है। ये इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि इस तरह के अफराद हमारे मुआशरे का नासूर है और उन्हें खत्म करना और उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना हमारा फर्ज बनता है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।